बड़ी खबर आई गाजा में इजराइल के भयंकर हमलों से जुड़ी। इजराइल ने दक्षिणी गाजा में रफा बॉर्डर के पास ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस हमले की लाइव तस्वीरें यूके के एक न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हो गई। फिलिस्तीन ने जानकारी दी कि इजराइल ने रफा बॉर्डर के नजदीक 3 मकानों को और एक मस्जिद को निशाना बनाया और इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हमला ड्रोन से किया गया और इजराइल ने रफा बॉर्डर के नजदीक 3 मकानों और एक मस्जिद पर अटैक किया। और इस अटैक की तस्वीरें यूके के एक न्यूज चैनल के कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो उस समय का है जब यूके के एक न्यूज चैनल ने अपना कैमरा रफा बॉर्डर के पास कुवैती अस्पताल के सामने लगा रखा था। वो वहां आने वाले लोगों की हालत पर स्टोरी कर रहा था, लेकिन तभी उसके कैमरे में इजराइल का ड्रोन हमला कैद हो गया। एक हमले के बाद काला धुआं उठ ही रहा था कि दूसरा बम गिरा और धमाका हुआ और फिर एक और बम गिरा। धमाकों की आवाज के बीच न्यूज चैनल के लोगों ने उंगली से इशारा करके वो जगह दिखाई जहां से धुआं उठ रहा था, लेकिन इसी बीच अस्पताल के बाहर अफरा तफरी मच गई और ऐसे हालात बन गए कि कलेजा मुंह को आ जाए, क्योंकि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे लोग अचानक हुए इस हमले में बुरी तरह घबरा गए। वो यहाँ वहाँ भागने लगे और इसी बीच कैमरा एक गाड़ी के पीछे छिपे परिवार के पास पहुंच गया। इस परिवार को देखकर पता लग रहा था कि गाजा में लोग इजराइल के हमलों की वजह से किस तरह डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी कहीं से एक बम आएगा और उन्हें मौत की नींद सुलाकर चला जाएगा। धमाकों की आवाज सुनकर इस बच्ची की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई। वो अपने पिता से चिपक कर फूट फूट कर रोने लगी। अटैक के समय इस शख्स की गोद में 2 बच्चे थे और हमला होते ही उसने दोनों बच्चों को अपनी गोद में चिपकाया और एक गाड़ी की आड़ में लेकर छिप गया। धमाका होने के बाद ये शख्स धीरे धीरे उठा। उसने और बच्चों ने आसमान से उठते काले धुएं को देखा और फिर वो दोनों बच्चों को गोद में उठाकर वहां से निकलने लगा। तभी वहां पर एक महिला आई, उसकी गोद में भी एक बच्चा था। वो महिला उस शख्स और तीनों बच्चों के साथ वहां से बचकर निकली, लेकिन हमले से डरी सहमी बच्ची के आंसू नहीं रुके। वो पीछे देखती और रोने लगती। इजराइल के हमले के बीच फंसा ये परिवार कुवैती अस्पताल के पास ही बने एक शरणार्थी कैंप में रहता था और ये लोग बचते बचाते वहीं पहुंचे, क्योंकि गाजा युद्ध में पीड़ितों के लिए अस्पताल में शरणार्थी कैंप लगाया गया था। इसी वजह से वहां 1-2 नहीं बल्कि मीडिया की कई गाड़ियां नजर आईं और इन न्यूज चैनलों के कैमरे में दर्दनाक हालात कैद हो गए, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद लोग हाथों में घायलों को लेकर दौड़ते नजर आए। सबसे बुरा हाल बच्चों का दिखा। वो रो रहे थे और आसपास सायरन की आवाज गूंज रही थी। इजराइल की बमबारी वाली जगह पर तो कुछ बचा ही नहीं, वहां धमाके की वजह से मलबे का अंबार लग गया। कई लोग उसके नीचे दब भी गए और वहां मौजूद लोग मलबे को जल्दी जल्दी हटाकर नीचे दबे लोगों को बचाने की कोशिश करने लगे। नतीजा ये हुआ कि मलबे से कुछ शव निकले और कुछ घायल। हमले के बाद हालात इतने डरावने हो गए कि लोग शवों के पास से बचकर भागते नजर आए। फिलिस्तीन ने दावा किया कि यह हमला रफा बॉर्डर के नजदीक बने 3 मकानों और एक मस्जिद पर किया गया।